लोगों को खुश आमदीद मेरे चैनल में एक बार फिर काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हमने जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताना था वो ये था कि आप लोगों ने जो मॉकअप की वेबसाइट्स हैं टॉप फाइव जो हैं जो ट्रेंडिंग में हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं डिज़ाइनर्स के लिए वो कौन कौन सी हैं। मॉकअप बेसिकली जो यूज़ होता है ना वो मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर दूँ, वो आपकी मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। जो आप मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को वो करते हैं, तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी वो आएगी हमारी freepic.com। एक बार फिर बता देता हूँ, freepic.com, pick, pick नहीं लिख दीजिएगा, pick.com, freepic.com। तो ये आप लोगों के सामने खुल के आ गई है सामने ये वेबसाइट। इसमें आपको वेक्टर्स मिलेंगे, इसमें आपको इलस्ट्रेशन मिलेगी, इसमें आपको मॉकअप्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। चले हमने मॉकअप्स खोल लिए। मॉकअप्स में जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं अपना लिंक्डइन भी यूज़ करता हूँ, ऐप्स मॉकअप यूज़ करता हूँ, यूआई के जो यूज़ करता हूँ और लिंक्डइन भी और भी बहुत सारे हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। जो हम लोग बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स की डिमांड के लिए यूज़ करता हूँ वो ये है जो क्लाइंट मांगेगा। चलें अब यहाँ से हम जो ले लेते हैं बुक ले लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं बुक ले लेते हैं। तो मैं आपको डाउनलोडिंग का तरीका भी सिखा देता हूँ किस तरह होता है। सबसे पहले तो आपने ये फ्री वाले पे टिक कर देना है, अपना फ़िल्टर लगा देना है फ्री का। चलें जी मैं कौन सा लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैं इसको अपने ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड पे जाना है, ठीक है जी। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, नीचे आप बार में देख रहे होंगे तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने पॉज करके उसे आपको नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारी अगली वेबसाइट है वो है ग्राफिक बर्गर के नाम से, ग्राफिक बर्गर, यू नो बर्गर बॉयज़ बर्गर बच्चे, तो ये बर्गर ग्राफिक बर्गर्स हैं। तो ये ग्राफिक burger बर्गर, क्या हो गया, हाँ चले। तो ये हमारे पास आ गई है खुल के, टॉप पे आ गई है सबसे पहले, क्योंकि हमने लिखा भी तो पूरा था ना ग्राफिक बर्गर। चले ओपन कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इंटरफेस वगैरह दिखा दूंगा, वेबसाइट वो होती किस तरह है, क्योंकि मैंने आपको पहले डाउनलोडिंग का तरीका सिखा दिया है। यहाँ आप देखें कि जी आपको अच्छे अच्छे मॉकअप्स मिल जाएंगे, बेस्ट किस्म के मॉकअप्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ टी शर्ट के मॉकअप मिल जाते हैं आपको। टी शर्ट के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप अमेज़ोन पे एफिलिएट डिज़ाइनिंग काम करते हैं ना, तो आप वहाँ टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन वगैरह लगा के अपनी टी शर्ट्स भी वहाँ एज ए प्रोडक्ट वहाँ सेल कर सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन आप इस्तेमाल सेल कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट कमा सकेंगे उसे। हम आई थिंक अमेज़ोन की डिज़ाइनिंग कहेंगे, आई थिंक सो इसी तरह कुछ नाम होगा। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास जो है वो है अनब्लास्ट। अनब्लास्ट बेस्ट वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो गए, यूआई के हो गए, यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइनर हो गए, इन सब के लिए बेस्ट वेबसाइट है अनब्लास्ट, जहां आपको आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे। अब ये देखें साथ लिखा हुआ आ रहा है कि ये फोटोशॉप की फ़ाइल है, एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। यहाँ आपको साथ नीचे वो बता देगा कि किस तरह की वो उस आपको फ़ाइल प्रोवाइड करेगा। चले जी हमारे पास जो अगली आएगी वो है जी फ्री प्रीमियम मॉकअप। फ्री प्रीमियम मॉकअप, नाम से ही जाहिर है कि आपको जो पेड चीज़ है वो आपको पेड मॉकअप जो है वो आपको वो फ्री में दे रहा है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सर्च थी तो मैंने इसलिए आपको दिखा दी। मैं आपको नाम इसलिए बकायदा लेके बता रहा हूँ कि फ्री प्रीमियम मॉकअप, ठीक है। यहाँ ये देखें कितनी बेस्ट वेबसाइट है डिज़ाइनर्स के लिए, कितना बेहतरीन इंटरफेस दिखाया हुआ है इसका। आपको एक ब्लैंक पेज भी दिखा दिया, उसमें डिज़ाइन पुट किस तरह होगा, वो कैसा लगेगा, कैसा उसका इंटरफेस आएगा, किस तरह का वो शो करेगा, सब चीज़ आपको वो इसमें करके दिखा रहा है, होवर पे दिखा रहा है वो आपको उस चीज़ ना। इसका चलें जी
ये A4 हो गया, A6 हो गया, पेजेस आप, ये आपके ऊपर बात है कि आपने किस तरह वो इस्तेमाल करना है। आपका डिज़ाइन की अलाइनमेंट क्या है, आपके डिज़ाइन का जो है साइज़ क्या है, ये उस हिसाब से उसकी रेजोल्यूशन क्या है, आप ये उस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप सेट कर लेंगे। चले जी, हमारे पास जो लास्ट वेबसाइट है, जो मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट दो हैं जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, वो ये है कि सबसे पहली वेबसाइट जो है वो फ्री पिक है, दूसरी पे ये है मॉकअप ट्री, मॉकअप ट्री के नाम से है। चलें जी, मॉकअप ट्री पे आ गए हैं हम। अब ये देखें बैग्स के, देखें इसमें आप, आपका बिजनेस कार्ड हो गया, टी शर्ट्स यहाँ भी आ गई, देखें फ्लैग्स आ गए, और जो हैंड है मेलिंग बॉक्स होता है आपका, लोगो जो आप स्टैम्प बनवाते हैं कि वो आप अपने लोगो पे लगाएंगे, लोगो लगवा के स्टैम्प बनवाएंगे, वो किस तरह लगेगा, वो किस तरह है? उसका एक मौका दिया है उन्होंने बाकायदा। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं डिज़ाइनर्स के लिए, जो कि डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा ना एक अपर लेवल पे लेके जाती हैं, ताकि आपका जो एक पोर्टफोलियो है वो अच्छा बिल्ड हो, क्लाइंट पे अच्छा रिस्पांस जाए। और यहाँ भी देखें टी शर्ट्स वगैरह पड़ी है, मॉकअप की वेबसाइट है और जाहिर सी बात है कि टी शर्ट्स वगैरह होंगी। तो काइंडली आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोगों ने, को पता लग गई होंगी, नोट कर लिया होगा सब चीज़, तो काइंडली नोट कर लीजिएगा सब चीज़ एक नोट पैड पर, ताकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदा रहें, फ़ायदा रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने ना एक बड़ा बेहतरीन काम ये करना है कि सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। तो ताकि ऐसे कि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि बंदा यूट्यूब चैनल पर डाल देता है और फेसबुक पे नहीं डाल पाता, होता है ना, इंसान है, गलती का पुतला है। तो आप लोग खुद समझदार हैं माशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।